हेलो फ्रेंड, मैं हूँ लक्ष्मी आर्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्केचिंग की, जैसे सिंपल ड्राइंग और एडवांस का लेवल ड्राइंग कैसी होती है। तो मैं बताऊंगी आपको सिंपल ड्राइंग के बारे में, जैसे जिसमें हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करते, इसी को ही एडवांस लेवल का स्केच बोलते हैं। यानी कि ड्राइंग के जो रूल होते हैं उसी के हिसाब से, जैसे हम सिंपल ड्राइंग बनाते हैं फिर हम एडवांस का लेवल जैसे ले लेते हैं, जिसमें हम ज़्यादा स्केच की डिटेलिंग नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, एक स्केचिंग को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उसको रेफर करके बनाना है, या फिर उसमें स्केचिंग अच्छी सी स्केचिंग करनी है, शेड देनी है, कुछ डिटेलिंग अच्छी सी करनी है, तो हम पहले एडवांस का लेवल लेते हैं, जिसके बीच में कोई यानी कि कोई हम इतना वर्क नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। तो आज हम एडवांस लेवल के बारे में बात करके इस पे ही ड्राइंग बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्केचिंग। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे कार्टून टाइप के कुछ एनिमल्स। कार्टून कैसे बनाते हैं, हम सिर्फ एक सिंपल ड्राइंग सीख रहे हैं, यानी कि हम सिंपल ड्राइंग कैसे बनाएंगे। तो हमने ये नहीं सोचना कि हम कार्टून बना रहे हैं, सिर्फ कार्टून कैसा होगा, तो उसमें हम वर्क करना सीख रहे हैं, यानी कि हम वर्क सीखना चाहते हैं कि वर्क कैसा हम कर सकते हैं उसमें। तो आपको पता है कि कार्टून की आँख जो हम बनाते हैं वो कैसी होती है, कार्टून की आँख मोटी होती है, हम मोटी उसमें शाइन करते हैं, मोटा था। तो हम पहले सिंपल ड्राइंग करते हैं। आपने इस स्केच को कैसे बनाना है, कैसे ड्रा करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि हम जो स्केच बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कैसा उसमें वर्क करना है, कितनी सफाई के साथ करना है, ये अपने आप ऊपर डिपेंड होता है कि हम चाहेंगे तो इस वर्क को कैसा बनाना है, ऐसे कैसे ड्रा करना है। आपने नेट पर से कोई भी ऐसी इमेज लेनी है, इजी सी, सिंपल हो, तो उसे देखकर आपने बनाना है स्केच। यानी कि जो कार्टून टाइप के स्केच होते हैं, जैसे हमने सिर्फ अपने ड्राइंग पर ध्यान देना है, चाहे वो कार्टून की हो, चाहे वो किसी और चीज़ हो, चाहे कैसी भी ड्राइंग हो, वर्क कैसा भी हो, उस पर आपका जो वर्क होता है, आप जो वर्क कर रहे हो वो कैसा है, कैसा होना चाहिए, ये डिपेंड आप पर करता है। तो अब ये एक सिंपल स्केच है, हमने जो बनाया है आपके सामने ये सिंपल स्केच है। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कुछ इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि हम कलर फिल करेंगे। यहाँ पे आपको कलर फिल करके दिखाएंगे कि हम एक सिंपल तरीके का जो स्केच होता है उसमें वर्क कैसे करते हैं, कितना करते हैं, कैसा होना चाहिए। तो दूसरा स्टेप हम लेते हैं कि हम कुछ ऐसा सिंपल तरीके का स्केच करें, यानी कि वर्क करें जिसमें ज़्यादा वर्क ना हो। कुछ इस तरीके की लाइंस हमने जैसे ऐड कर दी है इसमें,
यानी कि हम चाहते हैं कि अगर हम चाहें कि इसमें ज़्यादा वर्क ना करें तो सिंपल वर्क कैसा होगा, ये आपके सामने है। हमने अपने स्केच को रफ करके कहाँ तक लेकर जाना है, या कलर फिल कर करके कहाँ तक होना चाहिए, कितना उसमें वर्क करना है, ये आपने देखना है कि हम कैसा वर्क करना चाहते हैं, इसमें कैसा वर्क होना चाहिए। जैसे हमने इसे रब कर दिया, कुछ ऐसे तरीके जिसमें ज़्यादा वर्क नहीं होता, हम सिंपल तरीके के साथ हम रब कर जाते हैं ऐसे। देखो, क्या आप इसमें कुछ और वर्क करना चाहते हो, कैसे करोगे? कुछ इस तरीके का जो स्केच बना लिया जैसे मैंने, अब क्या करेंगे, इसमें हम कलर फिल कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो स्केचिंग है वो डिटेल के साथ बाहर आए आपके सामने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से। तो हमने सिंपली इसमें ये कलर फिल कर दिया है। कार्टून को भी, एक कार्टून बनाना भी एक अपने तरीके का, अपने तरीके की नॉलेज है कि हमने सिर्फ ड्राइंग करनी है, कार्टून अच्छा बनाकर छोटा सब्जेक्ट चुन के कि हम उसे किस तरह से उसकी वर्क करके आपको स्केच को कहाँ तक लेकर जाना है। सिंपल आइडिया के साथ, जैसे ये देखो, मैंने इसमें ज़्यादा वर्क करके नहीं बनाऊंगी, आपको कलर फिल करके भी दिखाऊंगी। कुछ ऐसे कलर फिल करते हैं कि हमें जो हमारी स्केचिंग है वो नए ढंग से बन जाए। डार्कनेस, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कलर फिल करने से जो हमारी स्केचिंग होती है उसका जो मेजिंग बन जाती है, यानी कि उसका जो वर्क होता है उसमें अच्छा लगता है, ड्राइंग अच्छी लगती है हमारी कलरफुल हो तो। इसीलिए हम सिंपल तरीके के हिसाब से ही हम कलर भी वैसे ही फिल करते हैं। आपको साथ के साथ कलर फिल करना भी हम सिखा देते हैं कि हम कैसा, कौन सा कलर कैसे भरते हैं, पेंसिल कलर कैसे चलाते हैं, कुछ इस तरीके की जो ड्राइंग है। आपने कलर मिक्सिंग कलर फिल करना हो तो आप कोई भी कलर इसमें डाल सकते हो, इसमें मिलता जुलता कलर हो आपके पास जैसा भी है। आप उसे उस तरह की जो ड्राइंग बना रहे हो वही आपने फिल करना है। जैसे येलो में हम ऑरेंज कलर मिक्स कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये सात बार बीच का जो कलर होता है वो देखो कुछ अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से आगे आ जाता है। डार्क होकर, तो ये लाइट कलर है आपके सामने आ रहा है ना, तो इसे हम और भी ज़्यादा मस्त स्केचिंग कैसे बनाएं? देखो, रीजनल जो स्केचिंग होती है उसमें अच्छा सा कुछ ऐसा वर्क किया होता है
कि देखने वाले को हमारी जो ड्राइंग है वो अच्छी लगती है, उसमें वर्क दिखाई देता है। कार्टून बनाकर अपनी ड्राइंग अच्छी बनाना, ये अच्छा तरीका होता है हमारा, अच्छा तरीका होता है हमारी ड्राइंग सुधारने का। आपको ये इसमें ये पता लग जाता है कि कहाँ से डार्क करना है, कहाँ से लाइट करना है, क्योंकि कार्टून ड्राइंग का बिगड़ कर हम कुछ अच्छा ही बना लेते हैं। अगर ये ड्राइंग आपको अच्छी भी ना लगे अपनी ड्राइंग, तो फिर भी हम नए ढंग से उसे बना सकते हैं नए तरीकों के साथ। कुछ डिटेलिंग निकाल के आप अच्छे तरीके से इसे बना सकते हो। आपको मेरा वर्क दिखाई दे रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा वर्क नहीं कर रही हूँ। हमने सिर्फ डिटेलिंग करनी है इसकी अभी। तो आपको ये स्केच कैसा लग रहा है अभी? जैसे हमने सिंपल ड्रा करके उसमें कैसे कलर फिल कर दिया, कुछ ज़्यादा कलर भी नहीं किया है, बड़ा सिंपल तरीके का कलर जो मैंने आपको करके दिखाया है। आपने थोड़ी मोटी इसमें डिटेलिंग करनी ही है, क्योंकि कोई भी स्केच आप बनाओ, मैं चाहती हूँ कोई भी आप ड्रा करो, कुछ भी करो, उसको नए ढंग से करो, हर चीज़ उसमें वन बाय वन भरते जाओ। जैसे हमने पहले लाइंस के साथ ड्राइंग ड्रा किया है, पहले हमने ड्रा किया, फिर दूसरी बार उसमें सिंपल कलर्स फिल करके देखे, तो कलर कैसे फिल करे, वन बाय वन कैसे उसमें मिक्सअप की। ऐसे ही आप हर ड्राइंग को मिक्सअप चीज़ पर छोड़ दिया करो, यानी कि करके आप अच्छे ढंग से हर स्केचिंग को वन बाय वन आप जैसे भी स्टेप बाय स्टेप अप बनाते हो, उसमें कलर फिल करके देखो कुछ भी। तो तरीका यही होता है कि जो भी हम स्केच बना रहे हैं उसकी डिटेलिंग करके उसको कैसे सिंपल स्केच से अच्छा स्केच बनाना है। आपने अपने स्केच को सिंपल बनाकर कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है उसमें वर्क करके, ये आप ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे ये देखो, मैं आपके सामने कुछ स्केच बनाया है, बनाकर दिखाया है, इसमें कौन सा कलर मैंने मिक्स किया, कैसे किया, सिंपल कलर को किस कैसे अच्छी ड्राइंग बना दी है, कार्टून कार्टून टाइप की। हर चीज़ में आप मिलता जुलता कलर डालिएगा कलर करने से पहले। देखो बड़े अच्छे तरीके से मैंने ये स्केचिंग को बना दिया है, आपने भी इस स्केच को ट्राई करना है। तो अब हमारी ड्राइंग है जो, वो बनाते हैं हम वीर, यानी कि हिरन, देर। तो वैसे ही आपने स्केचिंग को रखना है जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी कार्टून्स बनाने की। तो कुछ इस तरीके की ड्राइंग है ये, एक सिंपल तरीके की ड्राइंग कैसे बनाएं। हमने इसीलिए एक कार्टून सब्जेक्ट चुना कि हम आज कार्टून बनाकर ही ड्राइंग सीखेंगे कि हम कैसी ड्राइंग बना सकते हैं।
तो कुछ इस तरीके की लाइंस आपने लगानी है। आपने कोई भी स्केच लेना है, उसी के हिसाब से आपने कार्टून टाइप की जो चीज़ बनानी है, देखो अब हमारी जो स्केचिंग है वो कैसी होगी। अब ये मैंने सिंपल ड्रा करके दिखा रही हूँ आपको, एक सीधी सीधी लाइंस लगा के, एक सिंपल तरीके की ड्राइंग है। देखो ये तो हमारा हुआ पहला स्टेप कि हमने सिंपल ड्रा कैसे करना है। ये है, हो गया हमारा सिंपल ड्रा, यानी कि सिंपल तरीके की ड्राइंग कैसे बनाएंगे। तो दूसरा स्टेप हम लेते हैं कि एक सिंपल ड्राइंग में कौन सा वर्क कर सकते हैं। पहला तो जैसे हमारा रहा कि हमने सिंपल ड्रा कर लिया, और दूसरा हम थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं इसको, सिंपल कलर के सिंपल तरीके की ड्राइंग कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा एडवांस का लेवल है ये, कि हम इसको रब करके कैसे ब्लैक कहाँ से, थोड़ी मोटी डिटेलिंग देकर स्केच को। तो हम उसे बना लेते हैं। देखो कुछ ड्रा ब्लैक कर दिया, कुछ कुछ शेडिंग देकर, थोड़ी मोटी डिटेलिंग के साथ इस तरह। तो अब हम तीसरा स्टेप लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा काम वर्क करने का। तो ज़्यादा वर्क हम क्या करते हैं इसमें, कलर फिल करके हम जैसे इसका कलर यहाँ से मिक्स कैसे कैसा है वो देखते हैं पहले। तो हम सीधा सीधा सा कलर करते हैं हर चीज़ में, बाद में उसकी अच्छी सी डिटेलिंग करते हैं, उसे डिटेल से के साथ बनाते हैं कि कैसा बने। तो दो तीन ही कलर जैसे हम इसमें मिक्स करेंगे, इसको डार्क करने के लिए येलो कलर्स ले लेते हैं। तो लाइट ब्लू सा सॉरी लाइट ब्राउन कलर लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके की अपने ड्राइंग को फिल करना है कलर्स को। कलर्स अपने तरीके के जो आपने ड्राइंग ली है उसी के हिसाब से ही आपने कलर फिल करना है। उसी के हिसाब से भी आपने कलर को फिल करते जाना है। कैसा कलर है आपने इमेज के हिसाब से पूरा इसमें वही कलर मिक्स करते जाना है। मिक्सअप कलर तब करना है आपको जैसे इस कलर को, जैसे हमने डार्क करना हो तो हम मिक्सअप कलर यूज़ करेंगे। इसमें मिलता जुलता कलर आपको डार्क करके दिखाएंगे, अभी लाइट कर रहे हैं। वन फर्स्ट पार्ट है जो हमारा, क्योंकि पेंसिल कलर है इसमें हम पहली बार में डार्क नहीं करेंगे, हम दूसरी बार इसको क्लियर करेंगे इसमें मिक्सअप कलर करके। ये हुआ हमारा फर्स्ट
वर्क जो कि हमने इसमें ऐसे कलर फिल कर दिया है। तो ये हुआ एक लाइट कलर। अब हम डार्क कलर करने के लिए पहले इस चीज को डार्क करेंगे। इस चीज को डार्क करने के लिए हम लेंगे ऑरेंज कलर, येलो में ऑरेंज कलर भरेंगे। तो ये देखो कुछ डार्क दिखाई देगा आपको, कुछ अच्छा सा कलर बन के बाहर आएगा। देखो जहाँ पर येलो किया है उसमें ऑरेंज कलर मिक्स करो। तो दूसरी बार का जो हम ब्राउन कलर लिए थे, तो ब्राउन कलर को हम थोड़ा डार्क करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने डार्क करना है कि वो डिटेलिंग भी हो जाए, तो आपका जो स्केच है वो भी आपको दिखाई दे बना हुआ। कहाँ से आपने डार्क करना है, कहाँ से लाइट करना है, ये आपने देखना है। अभी जैसे इसकी पीठ के ऊपर का जो लाइंस है उसे हम रब करते जाएंगे कुछ इस तरीके से। आपको पता होना चाहिए कि हमने डार्क कहाँ से करना है। आप कार्टून टाइप के ड्राइंग करके आपको पता चलेगा कि हमने डार्क कहाँ करना है, लाइट कहाँ करना है। आप फिर अच्छी ड्राइंग बनाने कार्टून से सीख लोगे तो आपको इजी हो जाएगा। एक अच्छा स्केच किसी का पोर्ट्रेट बनाना हो चाहे वैसा, आप अच्छी स्केचिंग सीख जाओगे। एक सीखने के लिए अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम ट्रेन अपने आप को कैसे करना है, क्योंकि ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना सीखोगे उतना ही कम है आपके लिए, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कमियां ऐसी होती हैं कि हमें बार बार ड्रा करने से, ड्राइंग करने से आती हैं, जो कि एक बार चीज़ बनाने से ड्राइंग कभी नहीं आती। तो प्रैक्टिस वाइज आपने कुछ ऐसे ड्राइंग को सिलेक्ट करना है जिससे आप उसको डार्क करना है, कहाँ से लाइट देनी है ये सीख सको। तो आपके सामने हैं, देखो हमने 2-3 कलर भरे हैं, पर कैसे भरे हैं, कितने अच्छे से भरे हैं ये आपको दिख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि डार्क लाइट देना मत भूलना, अगर आप कलर भी कर रहे हो तो भी। स्केच की डिटेलिंग आपको स्केच को अच्छा बनाती है। सिंपल स्केच को भी आप कितनी डिटेलिंग के साथ कर सकते हो ये अपने आप पर ऊपर डिपेंड होता है हमेशा। जैसे मैंने इसकी डिटेलिंग ऐसे की है, कुछ डार्क करेंगे हम इसे। ये लगे कि ये सिंह है। चीज तो बस ये जो ड्राइंग है तो कार्टून टाइप,
पर हमने कैसी ड्राइंग कहाँ तक लेकर जानी है ये अपने ऊपर डिपेंड है। ड्राइंग में कितना वर्क होना चाहिए, कैसा वर्क होना चाहिए, देखो आपके सामने है कि हम स्केच को कैसा बना सकते हैं। ये कार्टून टाइप भी है पर हमने वर्क अच्छा किया है इसमें। आपने ऐसे ही ड्राइंग को सीखना है कि हम अच्छे स्केच बना कर नहीं कार्टून बनाकर भी सीख सकते हैं। तो अगला हमारा लास्ट स्टेप है, हम एक कार्टून टाइप की चीज़ बनाते हैं। जैसे हम बनाएंगे एलिफेंट, हम बनाएंगे जैसे कार्टून टाइप बना रहे हैं हम, बड़े इजी तरीके के साथ आपको बनाकर दिखाऊंगी मैं। स्टेप बड़े ड्राइंग के ही होते हैं, आपने मटेरियल के यानी कि मटेरियल की तरफ आपने ध्यान नहीं देना है। हमारी स्केचिंग कैसी है ये नहीं देखना है, आपने अपनी ड्राइंग देखनी है कि ड्राइंग हम कैसी कर रहे हैं, हमारी ड्राइंग है जो कैसी होनी चाहिए, इसके बीच में आपने अपना माइंड रखना है, दिमाग रखना है। तो इजी स्टेप है, देखो हमने कोई भी रेफरेंस लेनी है, रेफरेंस जो हम बना सके, जो आपको इजी लगे, पर उसमें पूरे वर्क करने हैं, पूरा वर्क उसमें आपको डालना है अपनी स्केचिंग में। कि ड्राइंग हो छोटी हो पर हम उसमें पूरा वर्क करके ड्राइंग को अच्छा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देखो। तो ये हुआ हमारा इजी स्टेप पहला, सिंपल ड्राइंग, छोटा सा यानी कि हमने किया ड्रा किया है सिर्फ। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कलर फिल करते हैं। कलर फिल करेंगे ग्रे कलर, तो कान से शुरू कर देते हैं ग्रे कलर को। कुछ इस तरीके का कलर है ये, जैसे हमने इसमें ग्रे कलर कर दिया। अभी हम ब्राउन कलर लेते हैं, इसमें मिलता था कलर, जो कि हमारी ड्राइंग को थोड़ा सा अच्छा बनाएगा ब्राउन कलर। ज़्यादा डिटेलिंग के साथ जैसे हम वर्क नहीं कर रहे, सिंपल हम इसमें वर्क कर रहे हैं सिंपल। इसमें हम ब्राउन कलर डाल दिए हैं, हल्का डार्क नहीं कर रहे, लाइट कलर डाल दिया है हमने।
देखो हमने अगर इसमें डार्क कलर करना होता तो हम इस तरह से कलर फिल नहीं करते, जो हम हल्के से कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि फर्स्ट टाइम सिंपल स्केच में हम बच्चों जैसे भी ड्राइंग करके देख सकते हैं। ये बच्चे करते हैं ऐसे ड्राइंग कि सीधा सीधा सा एक फर्स्ट कलर भर दिया, तो हमने इसकी जैसे डिटेल निकालनी है, डिटेल के साथ जैसे हम वर्क करेंगे। तो ये हमने पूरे स्केच में ऐसे करके कलर भर दिया है। जैसे हमने यहाँ पे लाइट छोड़ दी है, देखो ये हमारा सिंपल स्केच था, यानी कि सिंपल कलर इसमें हमने फिल किए हैं। और ये क्या हम कर रहे हैं अभी? अब हम करेंगे इसमें थोड़ा सा और अच्छे से कलर फिल करेंगे। कैसा करना चाहिए हमें? हम लाइट येलो सा कलर ले लेते हैं, जो कि इसमें डार्कनेस लाएगा इस कलर को मिक्स करने के लिए। इस कलर को थोड़ा सा डार्क ब्राउन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे थोड़ा सा येलो भी ये डार्क कर देगा इस स्केच को। आपको कलर अच्छा दिखाई देगा इसमें, ये मिक्सअप कलर डार्क कर देगा अभी। अगर लाइट कलर डार्क में मिल जाए तो जो हमारा स्केच का कलर्स है वो अच्छा मिक्स होकर आता है। देखो कुछ इस तरीके का कलर था, थोड़ा सा डार्क आपको लगने लगा। आपने अभी कहाँ से लाइट देनी है? देखो आपने कहाँ से डार्क करना है, कहाँ से लाइट करना है, ये इस ड्राइंग यानी कि सिंपल स्केच से ही हमने सीखना है कि हमारी स्केचिंग को कहाँ अच्छा दिखाई दे सकती है, हमारी स्केचिंग कैसी। तो अब हम आइस बना देते हैं, जैसे यार लाइट छोड़ देनी है। तो बाकी का जे स्केच रह गया है हमारा,
तो ग्रे कलर से आपने ऐसे लाइट डार्क कर दिया। तो इसमें भी हम येलो कलर लेते हैं, उसी तरीके से फेस के हिसाब से पूरी बॉडी वैसे ही आपने मिक्सअप करनी है। तो ये लाइट था, तो इसमें ऐसे ही मिक्स कर देना है जैसे हमने फेस पर वर्क किया है। कुछ इस तरीके का पूरा वर्क करना है बॉडी पर। यानी कि ये जो ब्राउन कलर है थोड़ा सा लाइट भी दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने ये येलो कलर लाइट वाला लिया है। यानी कि वो चीज़ आपको दिखाई दे थोड़ा सा अच्छे तरीके की। फाइनली देखो हमारा जो स्केच है वो रेडी हो चुका है। कुछ डिटेलिंग बाकी है अभी जो कि हम लास्ट पर करते हैं। तो ये देखो ये येलो कलर इसमें हिल हो गया, थोड़ा सा डार्क दिखाई देने लगा। अभी इसकी डिटेलिंग बाकी है, अब करेंगे ब्राउन कलर। ब्राउन कलर लेते हैं, ये कहाँ से आपने डार्क करना है कहाँ से लाइट करना है ये देखना है, क्योंकि लास्ट जो हमारा वर्क रह जाता है उसमें हम डार्क और डिटेलिंग निकालते हैं डार्क करके। तो देखो अब इसकी डिटेलिंग जो हो रही है वो आउटलाइनिंग की तरफ से हो रही है, जैसे हम पूरी आउटलाइनिंग की जैसे उसके ऊपर ही आपने ब्राउन कलर की जो आउटलाइनिंग मिटानी है। ब्राउन कलर लगा के ब्लैक कलर की जो आउटलाइनिंग है उसे आपने मिटाना है। कुछ इस तरीके की डिटेलिंग है। तो लास्ट में जो हम वर्क करते हैं उसको हम डिटेलिंग के साथ करते हैं। उसमें हम पूरे स्केच की डिटेल निकालते हैं। अच्छे तरीके से आपने स्केच को बनाना है, ट्राई करके भी देखना है। स्केच चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा आप जैसा भी लो, उसको पूरी अच्छे तरीके से ड्राइंग करनी सीख लो। देखो इसमें ज़्यादा वर्क नहीं था, सिर्फ सिंपल तरीके के साथ मैंने ये आपको पूरे स्केच बनाकर दिखाए हैं। बड़े कार्टून टाइप के हैं, तो आपको अच्छा लगे तो आपने ट्राई करना है। सीखने के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपने हर स्केच को ट्राई करना है जैसे मैं आपको डेली बताती हूँ। तो मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, नई टिप्स के साथ। तो आज का जो सब्जेक्ट हमारा रहा
उसके हिसाब से आपने पूरी स्केचिंग को ट्राई करके देखना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।